पूर्वी दिल्ली से भाजपा के उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्वी दिल्ली की आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आतिशा को मानहानि का नोटिस दिया। आतिशी ने भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर पर अपने खिलाफ आपत्तिजनक भाषा वाले पर्चे बांटने का आरोप लगाया था और इस नोटिस में कहा गया कि गौतम गंभीर को बदनाम करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी जाए या इस मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए वो तैयार रहें।